हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है कि दिसंबर में एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है और अब बहुत कम टाइम बचा है और इसमें क्या पढ़ना चाहिए। जितने भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं एसएससी सीजीएल का, वो बड़े कंफ्यूज हैं कि इतने कम टाइम में कैसे प्रिपरेशन की जाए कि उनका सिलेक्शन हो जाए, मीन्स टीयर वन क्लियर हो जाए। तो इसके लिए मैं अब सभी के लिए खुशखबरी है कि मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग की क्लासेस, फ्री क्लासेस अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे लेने जा रही हूँ। और ये हमारा जो बैच है वो 10th ऑफ नवंबर से स्टार्ट होगा और जिसमें 21 डेज में हम अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे और इसमें हम सिर्फ वही इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आपके आएंगे। मैं अंजलि शर्मा, अब मैं स्टार्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम प्रिपरेशन करेंगे कि 21 डेज में आपका पूरा सिलेबस मैथ्स और रीजनिंग का कवर हो जाए और जितने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पे फोकस करना है, वो सारी चीज़ें हम आपके एक्सप्लेन करेंगे। इसमें हमारी 21 डेज का जो टारगेट हमने रखा है, इसमें 14 डेज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लासेज होंगी और 7 डेज आपकी जो क्लासेस हैं वो रीजनिंग की होंगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में डेली आपकी क्लास होगी, 7:30 से 8:30 की डेली लाइव क्लास होगी मेरे मोबाइल एप्लीकेशन पे। जिनको ये क्लासेस ज्वाइन करनी है वो लोग मुझे व्हाट्सएप कर दें और मेरे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और उसके बाद हम उसमें एक बैचेस बनाएंगे जिसमें फ्री क्लासेस होंगी। तो इसमें कोई पेमेंट आपको देना नहीं है, आपको सिर्फ हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, हमारे बैच में ऐड ऑन हो जाना है। मैं अपना मोबाइल नंबर भी दूंगी और उस मोबाइल नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा सारी जितनी इन्फॉर्मेशन, अपना नाम और ये सारी चीज़ें आप दीजिएगा। अभी मैं बताती हूँ आपको स्टेप वाइज कि आपको क्या करना है। अगर हमारी लाइव क्लासेस आपको स्टार्ट करनी है तो ऐड ऑन होने के लिए आपको क्या क्या करना है। तो 21 डेज का हम पूरा पैक लेके चलेंगे। अब देखिए इसमें सीधा लिखा है टारगेट एसएससी सीजीएल को हम टारगेट कर रहे हैं, सबसे पहली बात। और दूसरा, फ्री लाइव क्लासेस हैं, ये हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे चलेंगी। 21 डेज में पूरी तैयारी कैसे करें, मीन्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग की क्लासेस क्या में क्या क्या पढ़ना है, डेली लाइव क्लासेस होंगी आपकी। और बैच विल बी स्टार्ट फ्रॉम 10th of November 2022। ये हमारा बैच स्टार्ट होगा और इसके बाद हम आते हैं इस पर कि देखिए फ्री क्लासेस ऑन माय ऐप और इसमें जो टाइमिंग दी है, डेली टाइमिंग है 7:30 से 8:30 की क्लास होगी। अगर उसमें भी हमारा कोर्स मींस कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रह जाते हैं तो इस क्लास को 8:30 के आगे और एक्सटेंड किया जा सकता है। तो पहले अभी जो टारगेट लेके चल रहे हैं 21 डेज का, मींस 14 डेज में हम सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कंप्लीट करेंगे, देन लास्ट के 7 डेज हम अपने रीजनिंग कंप्लीट करेंगे। तो अब सबसे पहली बात है कि आपको करना क्या है अगर आपको फ्री क्लासेस इसके चाहिए। ये देखिए हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। और इसको डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है कि उसमें रजिस्टर्ड कर लेना है, फ्री रजिस्ट्रेशन है, वहाँ जाएंगे अपना नाम पासवर्ड जनरेट करेंगे और उसमें जा कर के फिर आप ओपन कर सकते हैं, जिसमें हमारा ये मोबाइल एप्लीकेशन स्टार्ट होगा और इसमें हमारे बैचेस होंगे। तो जो बच्चे हमें उसमें मीन्स व्हाट्सएप पे भी मैसेज करेंगे कि मुझे ये क्लासेस चाहिए, आप मुझे अपने बैच में ऐड ऑन कर लीजिए। अगर किसी को केवल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लास चाहिए तो उसका बैच में अलग करूँगी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, और रीजनिंग का अगर सिर्फ चाहिए तो रीजनिंग का बैच में अलग करूँगी। इस तरीके से हम उनको वो हेल्प देंगे जो उनको एग्जैक्टली चाहिए। अब इसमें क्या है कि आपके करंट के लिए और जीके हमारी फ्री है इस एप्लीकेशन में, आप इसमें डेली मॉक्स के साथ आप देख सकते हैं लास्ट 3 to 4 मंथ्स की जीके आप देख लीजिए, करंट देख लीजिए, जितना भी इम्पॉर्टेंट है उसमें से ज़रूर आएगा तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको बैच में ऐड ऑन करने के बाद हम आपको क्या क्या करवाएंगे क्लास में और किन टारगेट्स को हम मींस कौन से टॉपिक को हम टारगेट करेंगे जिससे हमारा सिलेक्शन हो और किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो देखिए मैं अपना पैटर्न बताती हूँ कि सिलेक्शन किस तरीके से होगा। सबसे पहले तो ये आपने डाउनलोड कर लिया और उसके बाद आप इसमें आके करंट जीके की प्रिपरेशन करें
और उसके बाद आप मुझे एक मैसेज ड्रॉप करेंगे जिसमें आप अपना नाम लिखेंगे, नेम, नेम के साथ साथ आप अपनी अगर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लास लेनी है तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिख दीजिए, अदरवाइज आपको रीजनिंग की क्लास लेनी है तो रीजनिंग लिख दीजिए, और अगर दोनों की ही आपको क्लास लेनी है, मीन्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी चाहिए और रीजनिंग भी चाहिए, तो आपको लिखना है कि आई वांट बोथ क्लासेस, मीन्स आई वांट टू अटेंड बोथ क्लासेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग बोथ, क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बैच अलग होगा, रीजनिंग का बैच अलग होगा, और जिनको केवल मीन्स कंबाइंड बैच चाहिए 21 डेज का, तो उसमें पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे। पूरे कोर्स में हम किन किन टॉपिक पे फोकस करेंगे इसको मैं अभी आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या सब्जेक्ट अपना लिख देंगे, या दोनों कर रहे हैं तो दोनों ऐड कर देंगे। ये टोटली फ्री रजिस्ट्रेशन भी है और फ्री क्लासेस भी हैं मोबाइल एप्लीकेशन पे, और मेरा जो मोबाइल नंबर है वो होगा 9873856193, और दूसरा मोबाइल नंबर है 9810691923। इन दोनों मोबाइल पे या किसी एक मोबाइल पे आप अपना पूरा डिटेल मुझे सेंड कर दीजिए, अपना नाम, सब्जेक्ट, और लिख दीजिएगा आई वांट टू अटेंड क्लासेस फॉर मैथ्स की चाहिए तो मैथ्स, रीजनिंग और बोथ। तो ये जो मैसेजेस हैं मेरे पास, हम 10th नवंबर से क्लासेस स्टार्ट करेंगे, दैट मीन्स ये जो मैसेजेस हैं वो 9th ऑफ नवंबर तक कंप्लीट आ जाने चाहिए, ताकि दिन में मैं 10th नवंबर को सबको ऐड ऑन करके शाम को हम अपनी क्लासेस 7:30 से 8:30 की हम स्टार्ट कर पाएंगे। आपको 9th तक आपको पूरा मीन्स डिटेल अपना देना है, उसके बाद हम इसमें ऐड ऑन करके बैच में करके और आपकी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। अब जो मेन है कि हम आपको ऐड ऑन करके आपको पढ़ाएंगे क्या, 21 डेज में आपकी क्लासेस किस तरीके से होंगी, तो इसमें जो क्लासेस हैं कि हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और दूसरा है रीजनिंग एप्टीट्यूड। ठीक, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लासेस आपकी 14 डेज की होंगी और जो रीजनिंग एप्टीट्यूड है वो 7 डेज की होंगी। ओके, 14 डेज में हम आपको क्या क्या कवर करवाएंगे, मीन्स आपकी जो क्लासेस होंगी वो बेसिक से नहीं स्टार्ट करेंगे, जो भी क्लासेस होंगी टॉपिक स्टार्ट करेंगे उससे जो रिलेटेड और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सिर्फ वही आपको बताएंगे और उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आप उसकी अलग से भी प्रैक्टिस करें, कोई डाउट होगी तो एक्स्ट्रा क्लासेस भी अरेंज हो जाएंगी, बट अभी जो हमने टारगेट लेके चला है कि इसको हम करवाएंगे क्या, बस क्लासेस अटेंड करना ज़रूरी है। दैट मीन्स कि पहले हम एडवांस मैथ्स पे फोकस करेंगे, एडवांस मैथ्स में एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, इसके बाद आपकी क्लास होगी नंबर सिस्टम, मीन्स मैंने बताया कि इसको बेसिक से बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे, तो नंबर सिस्टम के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब कराएंगे इसमें, और एवरेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में और होगा आपका एवरेज हो गया, नेक्स्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस। इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो हैं, यहाँ पे नोट कर देती हूँ मैं, नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टनरशिप, रेशियो प्रोपोर्शन, सर्ट्स, इंडिसेस, और आपका टॉपिक आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, एवरेज,
ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो इनको आपको जरूर करना है। और रीजनिंग में जो टॉपिक कराएंगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे एनालॉगी, बहुत ही इजी टॉपिक है और क्वेश्चन श्योर शॉट आता है। क्लासिफिकेशन ये भी टॉपिक ऐसा है कि क्वेश्चन श्योर शॉट आता है। सीरीज भी आपकी थ्री टाइप है, एक है नंबर सीरीज भी टू टाइप्स है, एक तो मिसिंग नंबर और ऑड वन आउट, और सेकंड है लेटर रिपीटिंग सीरीज, और नेक्स्ट है अल्फाबेट सीरीज। फिर आपका एक टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो है रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, और इसके बाद आता है डायरेक्शन। चैप्टर बहुत ही अच्छा, बहुत ही इजी भी है, और क्वेश्चन इसमें से श्योर शॉट आता है। सीक्वेंस सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें 3-4 टाइप्स हैं जो आपके एग्जाम में श्योर शॉट आते हैं। मैट्रिक्स भी कई बार आ जाती है एग्जाम में, मैट्रिक्स। तो अगर हम डेली दो दो टॉपिक भी करेंगे तब भी हमारे 12 से 14 टॉपिक आराम से इजीली हो जाएंगे, और इन्हीं से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हमें तो सिर्फ टाइप बताने। और नंबर पजल ठीक है, और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से होंगे, जो अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लास्ट टू डेज में केवल प्रैक्टिस के लिए आपको दो क्लासेस, बड़ी क्लासेस होंगी, मतलब उसका ड्यूरेशन हम बढ़ा देंगे, और उसमें आपको उसी क्वेश्चन पे फोकस करना है, ठीक है। और इसके बाद आपको बताया मैंने कि हमारे ये वाला जो एप्लीकेशन है इसमें हमारे फ्री मॉक्स पड़े हुए हैं। फ्री मॉक्स आप जब इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो एक आपको आइडिया लगेगा कि आपकी रैंकिंग क्या चल रही है, मार्क एनालिसिस पूरा पता चलेगा, साथ में आपकी स्पीड का पता चलेगा, स्पीड एंड एक्यूरेसी, और ये सबसे बड़ी बात पता चलेगी कि आप किस क्वेश्चन पे ज़्यादा आपने टाइम स्पेंड किया, किस क्वेश्चन पे आपने कम टाइम स्पेंड किया। मीन्स आपको अपनी वीकनेस पता चलेगी और स्ट्रांगनेस पता चलेगी, कौन से टॉपिक पे और किस तरह के क्वेश्चन पे आप स्ट्रांग हैं और किस तरह के क्वेश्चन आपके वीक हैं जो आपके सॉल्व नहीं होते। तो आप सबसे पहला पॉइंट, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, तो आप एक स्ट्रेटजी बना के आपको स्टडी करनी पड़ेगी। आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, टू द पॉइंट ही पढ़ना है, ये हमेशा ध्यान रखिए। और दूसरा, हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं कि आप पढ़िए, तो अब पढ़ना क्या है आपको एग्जैक्टली, तो हमने खुद के नोट्स अपने बनाए हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग मैं क्लासेस आपको शॉर्टकट तरीके से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, डेली आपकी क्लासेस होंगी। तो मैंने जो अभी आपको समझाया कि सबसे पहले आपका काम है, अगर आपको फ्री क्लासेस चाहिए मोबाइल एप्लीकेशन पर, तो सबसे पहले आप मुझे व्हाट्सएप करिए और अपनी डिटेल, मीन्स नाम और मोबाइल नंबर अपना लिख दीजिए, और सब्जेक्ट लिख दीजिए आपको कौन सा सब्जेक्ट करना है, ज्वाइन करना है, और इसके बाद फिर मैं उसको आपको बैच में ऐड ऑन कर दूंगी। और कोशिश करिएगा कि ये जितनी जल्दी हो सके आप मुझे 7-8 तक बता दीजिएगा, तो ताकि ऐड ऑन करने में हमें इजी रहे और आपकी क्लासेस ना मिस हो, क्योंकि एक एक क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। कम से कम एक एक क्लास में आपके 8 से 10 नंबर तक की प्रिपरेशन होगी, मतलब मीन्स आप ये समझिए कि जो भी क्लास होगी उस टाइप के क्वेश्चन श्योर शॉट एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो फ्रेंड्स, आप जितनी जल्दी हो सके मुझे अपना डिटेल भेजिए, और मैं ताकि आपको ऐड ऑन कर सकूं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप लोग वही पढ़ें कि आपका सिलेक्शन हो और फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना सफिशिएंट है, और बाकी हम आपकी लाइव क्लास में आपसे मिलते हैं। All the best for exam, for selection.